नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात चीन के साथ एलएसी पर तनातनी की। एलएसी पर क्या है चीन की नई साजिश? भारत से डरा चीन कैसे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? और भारत ने चीन के मुकाबले एलएसी पर कैसे बनाई बढ़त? एलएसी पर हर हलचल की खबर देखते हैं टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी में। कोर कमांडर्स की बातचीत में बॉर्डर पर नए सैनिक नहीं तैनात करने के वादे के बाद भी चीन ने एलएसी पर पूरी ताकत झोंक दी है। चीन ने एलएसी पर 1.25 लाख सैनिकों के साथ ही भारत के किसी भी कोने को टारगेट करने वाले एटमी मिसाइलें, रॉकेट और 150 फाइटर प्लेन तैनात किए हैं। एलएसी पर तनातनी कम करने के चीन के वादे के बाद भी भारतीय फौज चौकन्ना है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सेना के लिए नवंबर का पहला हफ्ता बेहद ही अहम होगा, क्योंकि अक्टूबर से यहां बर्फबारी शुरू हो जाती है और ऐसे में चीन किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। एलएसी पर फ्रंटलाइन फाइटर्स की उड़ान देख चीनी सैनिकों के होश उड़ गए। लद्दाख के आसमान में एक के बाद एक एयरफोर्स के जवानों ने दम दिखाया। आसमान में पहले राफेल ने दम दिखाया, इसके बाद MiG-29 ने दहाड़ मारी। आसमान में अपाचे ने भी हुंकार भरी। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए एलएसी पर सुखोई ने भी अपना दम दिखाया। एलएसी पर जवानों की मजबूती के लिए चिनूक भी पहरेदारी करता दिखा। वहीं ग्लोब मास्टर ने भी आसमान में अपनी गर्जना से चीन को भारत की ताकत दिखाई। भारत की ताकत से डरा चीन ड्रिल के जरिए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएलए के 77 के लाइव फायर ड्रिल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पीएलए के सैनिक एक साथ 47 टारगेट को निशाना बनाते दिख रहे हैं। चीन के साथ एलएसी पर जारी तनातनी के बीच पृथ्वी 2 मिसाइल का नाइट ट्रायल कामयाब रहा। सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की रेंज में चीन के कई शहर आते हैं। अब भारतीय सेना को गलवान में और मजबूती मिल गई है। चीन से तनाव के बीच भारतीय शूरवीरों ने महज 120 दिन में गलवान नदी पर पुल तैयार कर लिया है। पुल तैयार होने से इंडियन आर्मी अब गलवान के दुर्गम इलाकों में 12 महीने पेट्रोलिंग कर सकेगी। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच समंदर में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास के जरिए इंडियन नेवी चीन को अपनी ताकत दिखा रही है। जून से अब तक ये भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं। डीआरडीओ ने अर्जुन टैंक से एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एंटी गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए है। इस सफल परीक्षण के बाद इन मिसाइलों को वॉर जोन एरिया में तैनात किया जाएगा। एलओसी पर कौन सी नई साजिश रच रहा है पाकिस्तान? बिहार विधानसभा चुनाव पर क्यों है चीन की नजर? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर कैसे रची जा रही है दहशत की साजिश? देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। बॉर्डर पर पाकिस्तान नई साजिश को अंजाम देने की फिराक में। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने पीओके के पाकिस्तान फौज की आजाद कश्मीर रेजिमेंट में रात गुजारी। बाजवा ने एलओसी पर तैनात अफसरों से मुलाकात भी की। इसके अलावा बाजवा एलओसी के पास के गांव में भी गए। पाकिस्तान सेना बॉर्डर पर भारत से मुकाबले की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान सेना का कहना है कि भारत को ध्यान में रखकर वो जंग की तैयारी कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने VT4 टैंक का निरीक्षण भी किया था। पाकिस्तान ने हाल में ही खालिद 1 टैंक को सेना में शामिल किया। चीन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में खलल डालने की साजिश रच रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन नेपाल के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में खलल डालने की साजिश कर रहा है। इस साजिश के अलर्ट के बाद बिहार और नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में सेना अंदर खाने इमरान खान का तख्त पलट करने की कोशिशों में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान से नाराज पाकिस्तान की सेना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार से बात कर रही है। हालांकि नवाज का परिवार सेना के साथ किसी भी डील से इनकार कर रहा है। चीन की आर्मी को उसके नाराज सैनिकों से ही खतरा है। पीएलए के पूर्वी कमान के सैनिक संवेदनशील जानकारी लीक कर रहे हैं। नाराज चीनी सैनिक वीचैट और दूसरे ऐप्स के जरिए सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक कर रहे हैं। सैनिकों की इस नाराजगी ने चीनी फौज की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु मिशन के लिए की जा रही तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पाकिस्तानी मूल के अब्दुल्ला सईद को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला सईद अमेरिका से अवैध तरीके से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर भेज रहा था। पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट TRF ने बड़गाम में BCD सदस्य भूपेंद्र सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। BDC सदस्य भूपेंद्र सिंह को उनके गांव दलवाश में आतंकवादियों द्वारा गोली मार दी गई थी। पाकिस्तान आतंकियों के जरिए जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाना चाहता है।
जिनपिंग जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। पाक में चीन के राजदूत याओ जिंग से मुलाकात के बाद इमरान ने कहा कि पाकिस्तान जिनपिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इससे पहले इमरान ने कहा था कि पाक की अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। यूएन में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में तुर्की का बोलना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर पाक तुर्की का इस्लामिक एजेंडा है। आगे बढ़ेंगे। टर्की ने क्यों किया नई मिसाइल का परीक्षण? ईरान अमेरिका में क्यों बढ़ी तल्खी? रूस बेलारूस की सेना के साथ क्यों कर रहा है ड्रिल? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में तमाम बड़ी खबरें। चीन और अमेरिका की तनातनी के बीच चीन ने बड़ा दावा किया है। चीन का कहना है कि उसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और कई तरह के नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार किए हैं जो अमेरिका पर भारी पड़ेंगे। तुर्की ने नई लेजर गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। तुर्की की TRGL-230 लेजर गाइडेड मिसाइल लंबी दूरी तक मार कर सकती है। तुर्की सरकार के मुताबिक इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन देश के खिलाफ अभियान में किया जाएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के निगरानी ड्रोन ने अमेरिका के समुद्री बेड़े निमित्स के ऊपर से उड़ान भरी। निमित्स पिछले हफ्ते होर्मुज़ से गुजरा था। ईरान ने ड्रोन से ली गई निमित्स की तस्वीर प्रकाशित की है। इन तस्वीरों में निमित्स पर खड़े जंगी विमान दिख रहे हैं। निमित्स और दूसरे कई युद्धपोत शुक्रवार को होर्मुज़ से होकर गुजरे थे। बेलारूस में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच रूस और बेलारूस की फौज ने युद्ध अभ्यास किया। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर हुए इस युद्ध अभ्यास में रूस के 800 से ज्यादा सैनिक और 170 यूनिट सैनिक उपकरण शामिल हो रहे हैं। रूस बेलारूस में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ बेलारूस सरकार का साथ दे रहा है। शांति की बात कर रहा है चीन लगातार अपनी ताकत दिखाकर अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश में है। चीन की नेवी ने साउथ चाइना सी में ड्रिल किया। वीडियो में चीन के नौसैनिक टारगेट को निशाना बनाते दिख रहे हैं। इस ड्रिल के जरिए चीन की नेवी समंदर में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रही। चीन ताइवान को डराने के लिए रोज अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के 2 फाइटर जेट फिर ताइवान में घुस गए। चीन के Y-8 ASW जेट्स ने ताइवान में घुसपैठ की। ताइवान की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद ये एयरक्राफ्ट वापस लौटाए। नेपाल की जमीन कब्जाने के मुद्दे पर काठमांडू पोस्ट ने चीन के झूठ का पर्दाफाश किया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक चीन ने बॉर्डर पर जो बिल्डिंग बनाई है वो नेपाल की जमीन पर है। अखबार के मुताबिक एक पिलर के गायब होने से विवाद हो रहा है। पिलर गायब होने का फायदा उठाकर चीन ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन के 2 दुश्मन आपस में दोस्ती बढ़ा रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिरो मोरी ताइवान पहुंचे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात भी की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई को श्रद्धांजलि दी और ताइवान जापान के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अमेरिकी नेताओं को चीन से सावधान रहने को कहा है। पोम्पियो ने कहा कि चीन के राजनयिकों से मिलते समय अमेरिकी नेताओं को सावधान रहना चाहिए। पोम्पियो के मुताबिक चीनी राजनयिक अमेरिकी नेताओं से गोपनीय जानकारी जुटाने और उनकी जासूसी करने की कोशिश कर सकते हैं। होगी अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी? कल शाम श्रद्धा और सारा अली खान के घर क्यों पहुंची एनसीबी की टीम? तो दीपिका पादुकोण से कब होंगे सवाल जवाब? और कंगना के सियासी ट्वीट को किस केंद्रीय मंत्री ने किया रीट्वीट? बॉलीवुड में चल रहे विवाद से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते हैं टॉप 9 बॉलीवुड स्कैंडल। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित अभिनेत्री ने अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में पीड़िता ने बताया कि जब तक अनुराग की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनकी सुरक्षा खतरे में है। बलात्कार का केस दर्ज होने पर उन्होंने बताया कि मीडिया को पूरी बात नहीं बतानी थी, इसलिए हमने छेड़खानी की बात बताई, लेकिन अब हमने पुलिस को सारी बात बता दी है। अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप की धाराओं में केस दर्ज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। वर्सोवा पुलिस अनुराग को किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है, साथ ही संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी संभव है। अभिनेत्री पायल घोष की शिकायत पर मंगलवार को अनुराग पर मामला दर्ज किया गया था। इस बीच बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री पायल घोष से भी पूछताछ की। बुधवार शाम पायल अपने वकील के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी। बता दें कि पायल ने निर्देशक अनुराग कश्यप पर रेप का केस दर्ज कराया है, लेकिन अपने आरोप में पायल ने कहा था कि घटना के दिन अनुराग नशे में थे। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन मामले में बुधवार को एनसीबी ने एक्ट्रेस एबिगेल पांडे और उसके बॉयफ्रेंड कोरियोग्राफर सनम जौहर से पूछताछ की है। इनके अलावा फिल्म उड़ता पंजाब के निर्माता मधु मंटेना, सुशांत की पूर्व टैलेंट मैनेजर जया साहा और जया की कंपनी क्वान के निदेशक ध्रुव चिरगोपेकर से भी पूछताछ हुई। एनसीबी ने बुधवार रात अभिनेत्री सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी समन दिया। एनसीबी की टीम ने दोनों के घर जाकर उन्हें यह समन थमाया। 26 तारीख को मुंबई में श्रद्धा और सारा से एनसीबी पूछताछ करेगी। मुंबई और दिल्ली दोनों जगहों की एनसीबी यूनिट इनसे पूछताछ करेगी।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने 25 सितंबर यानी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। टैलेंट एजेंट जया साहा के मोबाइल चैट से मिली जानकारी में दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम सामने आया था। ये चैट 2017 की। उधर रिया और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई आज तक के लिए टल गई है। भारी बारिश से जलजमाव की वजह से कोर्ट नहीं खुला। इससे पहले मंगलवार को एनसीबी की विशेष अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। कंगना ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस ने मुझे धमकी दी और मेरे पोस्टरों को चप्पलों से पीटा, अब पंजाब में कांग्रेस ने मेरे पुतले जलाए हैं। ये सीधे सीधे गलत पहचान का मामला है। क्या मैं कोई मंत्री हूँ या कोई महान विपक्षी नेता? इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कंगना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस किसान हितों के प्रति न गंभीर है और न ही कभी गंभीर थी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर फिर बड़ा प्रहार किया है। रनौत ने ट्वीट किया कि पहली बार बॉलीवुड माफिया सोच रहे होंगे कि सुशांत की हत्या नहीं होती और कंगना के साथ न्याय हुआ होता तो अच्छा था। पहली बार वे लोग अपने किए पर पछता रहे हैं। कृषि बिल को लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को क्या मिला जवाब? आज से देश भर में किसने किया आंदोलन का ऐलान? कहां पर ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे विधायक और सियासत में क्यों हुई ट्रैक्टर की एंट्री? कृषि विधेयक से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 किसानों पर संग्राम। कृषि बिल के खिलाफ आज से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। इसके तहत हर एक जिला मुख्यालय में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार से बिल पर पुनर्विचार की मांग की जाएगी। इस दौरान किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होंगे, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि बिल पर घमासान के बीच बुधवार शाम विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बिलों को मंजूरी न देने और वापस भेजने की मांग की है। मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिलों को असंवैधानिक तरीकों से पास कराया गया है। उधर कृषि बिलों के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बुधवार को भी प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसद हाथ में तख्तियां लेकर मोदी सरकार हाय हाय और शेम शेम के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि कृषि बिलों को सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजना दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब की अलग अलग जगहों पर बुधवार को भी कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन चला। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में रैली निकाली गई, तो लुधियाना में अकाली दल ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को समर्थन दिया। पानीपत से लेकर दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने बिल के विरोध में रास्ता रोक दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम होने की वजह से पुल के नीचे पानी से गुजरकर लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा में उग्र हो रहे किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने दिल्ली नोएडा सीमा पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। किसान सरकार से बिल वापसी की मांग पर अड़े हैं। कोलकाता में भी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां टीएमसी के छात्र विंग ने सड़क पर उतरकर बिल पर अपना विरोध जताया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां, बैनर और सब्जियां लेकर नारेबाजी की। सिर पर कद्दू और गले में प्याज की माला पहनकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पटना में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास के भीतर ही ट्रैक्टर चलाया और खुद को किसान बताया। तेजस्वी ने बिल के विरोध में बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंच गए। ट्रैक्टर पर किसान विरोधी काला कानून वापस लो जैसे नारे लिखे थे। देहरादून में 4 कांग्रेसी विधायक विधानसभा के लिए ट्रैक्टर से निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद विधायकों ने सड़क पर धरना दिया। इधर कोरोना ने ली एक और केंद्रीय मंत्री की जान। मनीष सिसोदिया क्यों हुए अस्पताल में एडमिट? पीएम ने क्यों कहा नो लापरवाही नो कोरोना? और कहां पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 3 माओवादी? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया है। बुधवार रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 11 सितंबर को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने गहरा शोक जताया। सुरेश अंगड़ी कोरोना से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। कोरोना से जूझ रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन लेवल में कमी के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया 14 सितंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मनीष सिसोदिया तभी से होम आइसोलेशन में थे। देश में पिछले 24 घंटे में कल के मुकाबले आज ज्यादा कोरोना केस और मृतकों के आंकड़े दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 86,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि लगभग 88,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि इस दरमियान 1100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। अब तक भारत में 57,30,000 से भी ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 10,00,000 एक्टिव केस हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने कोविड 19 से निपटने की रणनीति और प्रबंधन की जानकारी ली। बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हुए। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में फिटनेस हस्तियों से बातचीत करेंगे। इस लिस्ट में विराट कोहली, मिलिंद सोमन, डाइटिशियन ऋतुजा दिवेकर, पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया और महिला फुटबॉलर अफशान आशिक प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर आज दोपहर 12 बजे मिलने का वादा किया है। RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी की बैठक बुलाई है। महागठबंधन से बाहर जाने के संकेत के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। महागठबंधन में एक और टूट की वजह सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेच बताया जा रहा है। बिहार DGP से VRS लेने के एक दिन बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राजनीति में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं लिया, मतलब उनके चुनाव लड़ने में सस्पेंस बरकरार है। इधर बिहार के पूर्व DGP सुनील कुमार JDU से उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने ही पार्टी ज्वाइन की है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तेगुडेम जिले के चिन्नापुरम के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर हो गए। ये मुठभेड़ बुधवार शाम 7 बजे के करीब चारला थाना क्षेत्र में हुई। मृतक माओवादियों में एक पुरुष और 2 महिलाएं थी। IPL के 13वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने अपने दूसरे मैच में पहली जीत दर्ज की है। अबू धाबी में मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हरा दिया। मुंबई ने 196 रन का टारगेट दिया था, जवाब में कोलकाता 9 विकेट गवाकर 146 रन ही बना सकी। 80 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला। इधर नोएडा में कहां लगी आग, सूरत में आधी रात को धमाकों से क्यों डरे लोग, छत्तीसगढ़ के कोरिया में कैसे डूब गया गांव, यूपी में अब किस माफिया पर हुई कार्रवाई, देश भर की बाकी अन्य खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 59 में दवा बनाने वाली कंपनी जुबिलेंट लाइफ साइंस में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे कर्मचारियों को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। आग के कारण करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। गुजरात के सूरत में ONGC कंपनी में आधी रात को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही लपटे दिखाई दे रही थी, बीच बीच में धमाकों की आवाज भी आ रही थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खांडा बांध टूटने से आसपास के गांव में पानी भर गया। बांध टूटने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बांध से निकले पानी के कारण किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। भारी बारिश के कारण बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भर गया था। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर मूर्तिकारों ने दुर्गा प्रतिमा और पंडाल का आकार बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा किया। मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट और पंडाल का आकार 10 वर्ग फीट का तय किया गया है। तर्क है कि प्रतिमा 10 फीट से नीचे बन ही नहीं सकती। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में शमशेर नाम के शख्स ने पुलिस थाने में खुदकुशी कर ली। पत्नी से झगड़े के बाद पुलिस शमशेर को थाने लाई थी। पुलिस के मुताबिक शमशेर शराब के नशे में था और उसने लॉकअप में अपनी शर्ट से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने नकली नोट के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 51,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी से पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में माफिया सरगना खान मुबारक के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। खान मुबारक के घर और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाने के बाद पुलिस ने अवैध कब्जा की गई 2.25 एकड़ जमीन में लगी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करा दिया। खान मुबारक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काटा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सूरत में एक कंपनी ने वायरस को 95% तक खत्म करने वाला मास्क बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जो वायरस को 95% तक खत्म कर देता है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी